हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मीशो हॉल। गाइस, ये वीडियो मीशो मिक्स्ड हॉल होने वाला है एंड स्टार्टिंग प्राइस जस्ट ₹110 जस्ट स्टार्टिंग प्राइस है एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल वाला मीशो हॉल होने वाला है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना एंड ऑल्सो शेयर करना मेरे वीडियो आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड आप लोग मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड गाइज, जितने भी प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उस सारे प्रोडक्ट का लिंक तो नहीं होता मीशो का, वो जो कोड है वो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये एक ज्वेलरी, ये कुछ इस तरह के बॉक्स में आया है। ये कॉम्बो प्राइस में कॉम्बो में मिला है मुझे ये ज्वेलरी, तो ये दो का कॉम्बो है। तो इसका पैकेजिंग जो है कुछ इस तरह के एक प्लास्टिक डब्बे में आया है। ये दो नेक पीस इस डब्बे में आया है, मुझे मिला है इस डब्बे में। तो इसका पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मीशो का पैकेजिंग नॉर्मल वाइट कलर के प्लास्टिक पैकेट में मिलता है, तो उस पैकेट के अंदर मुझे ये प्लास्टिक बॉक्स में मिला है ये दो ज्वेलरी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं उसका प्राइस वगैरह यहाँ स्क्रीन पर दे दूँगी आप लोगों को। अगर आप लोग उसको बाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बाई करिए, बहुत अच्छा है। क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है एंड लुक वाइज भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है एंड आप लोग इसको डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। तो मैं उसका कोड आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सारे प्रोडक्ट्स का कोड मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो गाइस, ये नेक पीस कुछ इस तरह का ही, ये चोकर डिज़ाइन में है एंड इसका डिज़ाइन फ्लावर का डिज़ाइन में है एंड इसका इयर रिंग भी सेम, इसका चोकर की जो डिज़ाइन है फ्लावर इसके उस टाइप का इसका डिज़ाइन है एंड लुक वाइज अमेजिंग है एंड आई लव। एंड इसके साथ जो इयर रिंग्स आया ना वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये वाला नेक पीस जो है वो है ये वाला, कैसे कितना प्रिटी है ये लॉन्ग नेक पीस है एंड इसका भी पीछे थ्रेड बना हुआ है। आप चाहे तो इसको इस तरह से या फिर इसको आप लॉन्ग थोड़ा और लॉन्ग करके भी पहन सकते हैं, आपकी मर्ज़ी आप कैसे इसको। ये सारे कुछ इस तरह का है, मैं आपको खोल के दिखाते हैं। ये कुछ इस तरह का है, ये कॉटन मटेरियल में कॉटन का है, ये बहुत सॉफ्ट कॉटन है, खादी कॉटन इसको बोलते हैं एंड इसका बॉर्डर कुछ इस तरह का ब्रॉड बॉर्डर है, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये साड़ी है। एंड ये जो ब्रॉड वाला जो बॉर्डर है ये आपको साड़ी के नीचे की तरफ मिलेगा एंड ऊपर की तरफ आपको इस तरह छोटा सा बॉर्डर मिलेगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जो छोटा वाला जो बॉर्डर है ये आपके ऊपर के साड़ी के ऊपर की तरफ मिलेगा ये छोटा वाला बॉर्डर एंड ये जो ब्रॉड बॉर्डर है ये आपके साड़ी के नीचे के तरफ मिलेगा। मैं फ़ोटो और प्राइस यहाँ स्क्रीन पे दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं एंड कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड इसके पल्लू का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, ये पूरे साड़ी एकदम वाइट कलर का है, कुछ भी डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ ये इसका बॉर्डर ही इसका डिज़ाइन है एंड इसमें बहुत प्रिटी है ये साड़ी। एंड पूरा खोल के दिखा, मतलब क्या दिखाऊँ, ये पूरा का पूरा वाइट कलर में है और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इसका बॉर्डर है। एंड मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो भी इस तरह के एक पैकेट में आया है। मीशो का हर एक पैकेट कुछ इस तरह का ही होता है एंड मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है एक ब्लैक कलर की ब्लाउज। एंड गाइज, ये बहुत बहुत खूबसूरत है एंड बहुत ही कम प्राइस में ये ब्लाउज़ आपको, बहुत खूबसूरत वाला ब्लाउज़ बहुत ही कम प्राइस में मिलेगा मीशो में। अगर आप इसको फ्लिपकार्ट में भी देखते हो तो आपको ये 500 का मिलेगा लेकिन मीशो में आपको जस्ट 350 या 300 में ही मिलेगा। मुझे कितने में मिला मैं यहाँ स्क्रीन में दे दूँगी। एंड ये नेट का, इसका मटेरियल नेट में है एंड सीक्वेंस का वर्क है इसमें एंड ये डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन का नाम क्या है मुझे
ठीक से नहीं पता। एंड फ्रंट कट है इसका डिज़ाइन एंड पैडेड पैडेड वाला ब्लाउज है ये। पैडेड इसका जो पैड है वो भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। एंड बैक के साइड कुछ इस तरह का है एंड यहाँ पे डोरी भी दिया गया है। एंड फ्रंट फ्रंट ओपन वाला ब्लाउज है, बहुत बहुत प्रीटी है। एंड इसका साइज है 34। ये मैं अपनी मम्मी के लिए लिया है। एंड इसका जो ये वाला स्लीव का जो डिज़ाइन है, मुझे नहीं पता इसके इस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं, तो ये यहाँ तक का स्लीव आपको मिलेगा। ये ब्लाउज बहुत 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 ही खूबसूरत है, बहुत कंफर्टेबल है। मतलब इतना सॉफ्ट नहीं है इसका नेट, लेकिन आपको चुभेगा नहीं। इसका जो सीक्वेंस है वो भी आपको चुभेगा नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। एंड अंदर की तरफ आपको लाइनिंग भी लगा हुआ है ताकि आपका जो सीक्वेंस का जो काम है वो आपके बॉडी में ना चुभे, इसलिए। एंड काफ़ी अच्छा है जो इसका लाइलन का जो कपड़ा है ना, वो बहुत ही अच्छा है। आपको आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा इससे। तो या मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ब्लाउज। एंड मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो भी एक साड़ी है, वो भी मुझे कुछ इस तरह के पैकेट में मिला है। एंड ये साड़ी है, ये वाला साड़ी। एंड गाइस ये साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ये भी वाइट कलर का साड़ी जो है ना, मैंने अब भी आप लोग दिखाया उसी टाइप का ही ये साड़ी, वो है वाइट कलर में और ये है ग्रीन कलर में। इसका भी सेम, इसका बॉर्डर जो है इतना चौड़ा है, एज यू कैन सी मैं कितना इतना चौड़ा उसका बॉर्डर है। एंड काफ़ी काफ़ी सुंदर है। एंड इसका ऊपर का जो बॉर्डर है वो प्लेन इस तरह का है, इसमें कोई वर्क नहीं है। एंड नीचे का जो बॉर्डर है इसमें आपको इस तरह का थ्रेड वर्क का डिज़ाइन मिलेगा। तो ये साड़ी भी बिल्कुल वाइट साड़ी की तरह है, अंदर कुछ भी डिज़ाइन नहीं है, पूरे बॉडी में कुछ भी डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल प्लेन इस तरह का ग्रीन कलर में है। एंड सिर्फ ये बॉर्डर में ही इसका डिज़ाइन है, बहुत सुंदर है ये साड़ी। एंड इसका प्राइस भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूँगी, इसका पिक्चर और प्राइस मुझे कितने में मिला है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे कितने में मिला है, लेकिन मैं पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये साड़ी एंड क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। इतने अफोर्डेबल प्राइस में ये दो साड़ी मुझे मिला है ना, मैं नॉर्मल मार्केट से भी लेने जाती हूँ ना, तो मुझे इतने कम प्राइस में ये साड़ी मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता, बहुत अच्छा है ये साड़ी। तो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये वाला एक टॉप। गाइस ये टॉप बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड बहुत क्या बताऊँ इसका कलर, ओ माय गॉड। एंड इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो शेयर कर दूँगी। मतलब आई लव दिस। एंड ये एक क्रॉप टॉप है, ये कुछ इस तरह का है। एंड एज यू कैन सी इसका क्वालिटी, इसका जो है ना जॉर्जेट मटेरियल में है, या शिफॉन मटेरियल में है उसका कपड़ा। एंड ये टॉप कुछ इस तरह का है एंड ये फुल स्लीव का टॉप है। एंड यहाँ पे आपको इलास्टिक का एक थोड़ा डिज़ाइन मिलेगा एंड पीछे आप लोगों को इस तरह का डोरी मिलेगा इसको नॉट करने के लिए, ताकि आप पीछे बहुत सेक्सी वाला लुक आए। एंड बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये टॉप, मैं यहाँ पे पिक्चर दे दूँगी इस पूरे टॉप का। एंड इसका प्राइस भी बहुत बहुत सस्ता है, बहुत ही कम प्राइस में मुझे ये टॉप मिला है। एंड इसका इसमें आपको दो या तीन कलर ही मिलेगा जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, ज़्यादा कलर मुझे नहीं देखा, एक ग्रीन एक वाइट और ये बेबी पिंक कलर में ये मिलेगा आपको। तो मैं तीनों टॉप का कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से ज़रूर ज़रूर इसको बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये टॉप। एंड मेरा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये वाला ब्रालेट, ये कुछ इस तरह का है, ये भी काफ़ी अच्छा है।
मैं आप लोगों को आज जितने भी प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ना, वो सारे के सारे प्रोडक्ट A1 क्वालिटी का है एंड बहुत ही अच्छा है। आप लोग सारे प्रोडक्ट को डेफिनेटली बाई कर सकते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो ये कुछ इस तरह के, आप लोगों को कैमरा में ये रेड कलर, चेरी रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये मेरून कलर में है। मैंने इसका दो लिया है ये ब्रालेट, एक मेरे बहन के लिए लिया है रेड कलर का, और मेरे लिए लिया है ये मैरून कलर का, जो कि चेरी रेड में दिखा रहे हैं, देख रहे होंगे शायद आप लोग। ये ब्रालेट बहुत प्रिटी है एंड इसका क्वालिटी भी बहुत है, एंड इसका जो एंड इसका पैड का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, एंड सारे के सारे प्रोडक्ट का प्राइस तो मैं ये आप स्क्रीन पे आप लोग दे दूंगी। एंड या मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये वाला प्रोडक्ट। तो गाइस मेरा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये वाला शूज, एंड इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, ये लेदर क्वालिटी में है ये शूज़। गाइस प्लीज़ इग्नोर माई नील पिंक, एंड ये कुछ इस तरह का है, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। यहाँ पे आपको एक चेन का डिज़ाइन मिलेगा जो कि खुलता नहीं है, एंड आई डोंट नो ये खुलेगा या नहीं, लेकिन मैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, अगर ये टूट जाए तो फिर। एंड यहाँ पे आप लोगों को इस तरह का एक बेल्ट का एक डिज़ाइन मिलेगा, एंड यहाँ पे जो शूज़ लेस है वो है, एंड या ये ब्लैक कलर में है। ये लेदर का क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड ये इतना सा थ्री इंच का ये हील है, एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये शूज़। तो या एंड गाइस मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये वाला कुर्ती, ये मैटरनिटी कुर्ती है। इसको मैंने दो मंगवाया है अभी, एक मैं वेयर करके रखी हूँ एंड दूसरा है ये वाला कुर्ती। एंड ये मैं आफ्टर वॉश का जो रिव्यू है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने दो तीन बार वॉश किया है एंड उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये कुर्ती लुक वाइज कुछ इस तरह का है, ये फ्रंट में कुछ इस तरह के आपको गोटा पट्टी का वर्क, एंड यहाँ पे आपको बटन का वुडन का जो बटन है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा डिज़ाइन। एंड ये प्रिंटेड कुर्ती है, येलो ग्रीन में इसका प्रिंट है, एंड इसका स्लीव्स ये 3/4 स्लीव्स है, एंड यहाँ पे भी आपको गोटा पट्टी का वर्क मिलेगा, एंड इसका मटेरियल कॉटन का है, काफ़ी सॉफ्ट कॉटन का है। एंड ये कुर्ती कुछ इस तरह का है, एंड यहाँ पे आपको दोनों साइड आपको यहाँ पे जिप मिलेगा, एज यू कैन सी मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ, ये इस तरह का आपको जिप मिलेगा दोनों साइड में। ये मैटरनिटी कुर्ती है एज यू कैन सी, एंड एक मैंने अभी वेयर करके रखा है एंड दूसरा है ये वाला। ये कुर्ती मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें जो जिप है ना इसके वजह से आप जो आपके बेबी को जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो ना तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको ये जिप ओपन करना है एंड आपके बेबी को आप ब्रेस्ट फीडिंग आराम से करा सकते हैं। एंड मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा इसका, मतलब पहनने के बाद भी मुझे बहुत कंफर्टेबल मिलता है, एंड मैं अपने बेबी को आराम से ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हूँ इस ये कुर्ती पहन के। एंड ये है ऑरेंज कलर में, एज यू कैन सी ये भी प्रिंटेड कुर्ती है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये दोनों कुर्ती। मैं उसका फ़ोटो यहाँ पे शेयर कर दूँगी एंड कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग इसको ये दोनों कुर्ती को भी बाई कर सकते हैं डेफिनेटली। बहुत